एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई पीथमपुर के नगर परिषद के हाल काफी दयनीय स्थिति में है। फंड की कमी के चलते सभी विभागों के बिल हर माह रोक दिए जाते हैं। इसी के कारण सफाई कर्मचारियों का पेमेंट देरी से हो रहा है, जिसके चलते नाराज श्रमिकों ने आज नगर परिषद का घेराव कर दिया और साथ ही नगरपालिका हाय हाय के नारे भी लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, कभी कभी तो 3 से 4 माह तक वेतन रोक लिया जाता है और ईपीएफ के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक्समैन सर्विसेज कंपनी में कार्यरत कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके ईपीएफ आज तक जमा नहीं किया गया है। अब ऐसी स्थिति में घर चलाना दुश्वार हो जाता है, भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। काफी देर नारेबाजी के बाद अधिकारी विजय अहिर, अकाउंट शाखा प्रमुख उदय सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया। कर्मचारियों से बात कर समझाइश देकर जैसे तैसे मामले को शांत किया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। लोग आप यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठा हुआ है कि ठेका प्रथा के कर्मचारी सारे ही लोग इकट्ठा हुए हैं और इसलिए हुए कि हमारा 2-2 महीने तक वेतन नहीं होता है और सीएमओ साहब बोलते हैं कि क्या नगरपालिका बेच के वेतन दे दूंगा क्या। तो जब आपकी ताकत नहीं थी तो किस लिए ठेका दिया? हमारे बच्चों को जहर दे देंगे? क्या करेंगे? हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, 7,000 रुपये का वेतन दे रहा है और 7,000 में हमारा घर परिवार चलता नहीं है। उसके बाद में ना कोई हमारे बच्चों की पढ़ाई और दूसरी बात ना ही कोई पीएफ दे रहा है ना कोई एसआई दे रहा है। ये क्या कर सकते हैं हम? 3 महीने हो गए, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। किन किन ठेकेदारों का पीएफ जमा नहीं हुआ? ये कोई जगदीश ठेकेदार है और एक ये तिवारी जी के तिवारी जी नहीं है वो नहीं तिवारी जी भी है तिवारी जी का भी अरे उनका कुछ नाम है ठेकेदार जी का तिवारी जी का मतलब तिवारी जी पकड़ लो उनका सुपरवाइजर है तिवारी जी उनके लिए कोई पीए भी नहीं दे रहे तो क्या कर सकते हम? आपका नाम? बलराम चावरे, राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ जिला अध्यक्ष बलराम चावरे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।